और त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत हीरा पट्टी वार्ड नंबर 8 डीलर रविंद्र कुमार ठाकुर के द्वारा डराने धमकाने का मामला सामने आया। बता दें कि धीरेंद्र यादव और जनप्रतिनिधि राशन के लिए दुकान पर गए। जनप्रतिनिधि ने जब 2 माह का राशन उनसे मांगा तो दुकानदार ने उनके साथ अपशब्द का प्रयोग किया, साथ ही धमकी दी। इस दौरान साधना ने उसकी टीम ने जब दुकानदार से सवाल जवाब किया तो दुकानदार ने अपशब्द का प्रयोग करना स्वीकार किया। क्या नाम हुआ आपका? राम जी मल्ला। और आप क्या है, पंचायत में कुछ है क्या? वार्ड सदस्य है आप? अच्छा, चलिए, ये हमारे पंचायत के वार्ड सदस्य है। वार्ड सदस्य हुए कितने नंबर वार्ड का? 10 नंबर वार्ड का। क्या मामला है ये बताइए। वार्ड मामला ये है कि फिंगर लेकर के आजकल करता है, राशन नहीं देता। फिंगर लेकर के कब से आपको ये हुआ है? फिंगर आपसे ले लिया गया है और आपको राशन नहीं मिला है? कब से राशन नहीं मिला है? अप्रैल का भी या जून का भी? अप्रैल, मई, जून। मई का तो दिया, मई का दिया है, जून का अभी, जून का, अप्रैल का नहीं दिया। अप्रैल और जून का, अप्रैल और जून का नहीं दिया है। चलिए ठीक है, अप्रैल और जून का आपको राशन नहीं मिला, फिंगर प्रिंट ले लिया गया। और कुछ कहना चाहते हैं आप इसमें? और फिर बाकी राशन मिलती है पहले? और भी हाँ, पहले मिल गया, पहले सारा मिल गया है, इधर आपको 2 महीने का जो है नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? लखन यादव। और क्या परेशानी है आपको? मामला आया कि ये गाली गलौज दिए हैं ये डीलर जो यहाँ के कंट्रोल जो दुकान चलाते हैं, उनका कहना हुआ कि कुछ व्यक्तियों का जो गाली गलौज दे रहे हैं, गाली और राशन नहीं देते। गाली गलौज इसलिए होता है इन लोग को, पहले से ही लोग पर्ची काट लेता है, राशन नहीं देता है, 2-3 महीना का बकाया है, वो लोग आता है उसी पर गाली गलौज होता है। आपका कहना है कि पर्ची काट लेते हैं, राशन नहीं देते? नहीं देता है। तो कितने महीने का राशन नहीं मिला है? 3 महीने का राशन नहीं मिला। 3 महीने का राशन नहीं मिला। कौन कौन महीने का नहीं मिला? इधर तीन महीना बैक से आपको राशन नहीं मिला है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करते हैं? आप ये नाम बताइए। पप्पू कुमार है। अच्छा, और क्या है? आप कोरिया पट्टी पंचायत पूरब के वर्तमान उप सरपंच है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या परेशानी है? हम हमेशा पंचायत में रहते हैं, भूमिका में भी काम करते हैं और पंचायत प्रतिनिधि है तो पूरे पंचायत में घूमते हैं, जाते हैं हमेशा सबके। तो आज 3-4 रोज से हम जब पंचायत में घूमे, 10 वार्ड से, 9 वार्ड से और 7 वार्ड से महिला सब भी और आदमी सब भी बोला हमको कि सरपंच साहब देखिए ऐसे ऐसे बात है, रविंद्र डीलर जो है आपके पास, इन्होंने अपना जो है समस्या सुनाया था। बोला कि सरपंच साहब देखिए 2-3 महीना से जो है ना राशन जो है नहीं दिया है, पर्ची काट दिया है, जब जाते हैं तो नहीं मिलता है, नहीं खून उठाता है। तो हम बोले ठीक है डीलर को हम बताएंगे। और जब कल रात में बिसुनिया वार्ड नंबर 7 में हम थे, 15-20 गो महिला भी थी और 2-4-5 आदमी बैठे हुए थे ऐसे, तो हम भी वहाँ पे गए तो वो लोग भी बोला हमको, बोला तो हम बोले ऐसा ठीक है आप लोग का फोन रिसीव नहीं करता है तो हम फोन लगा करके देते हैं, हम अपने मोबाइल से बात कीजिए। तो फोन जैसे लगा करके दिए तो ये बोला क्या धीरेंद्र यादव बिसुनिया को कि आप सुनते हैं कि मेरे दरवाजे पर जाकर के गाली गलौज कर रहे थे, तो बोला क्या कि नहीं हम गाली नहीं दे रहे थे, तो बोल रहा था क्या कि डीलर यादव को इतना औकात हो गया है कि हमारे दरवाजे पर आकर के गाली दे देगा रे। उसी पे धीरेंद्र यादव बोला कुछ कि गाली नहीं देंगे, तुम जो 2-3 महीना का राशन नहीं दिया है गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे, उसी पे ये भी गाली देना स्टार्ट कर दिया। एक तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग को 2-3 महीने से फिंगर प्रिंट लेकर के जो है राशन नहीं मिला, ये यहाँ के जो अभी जनता जो बता रही है। चलिए ठीक है, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर यादव समुदाय के लोगों को अभद्र व्यवहार से कि यादव है तो क्या हुआ, इस टाइप का शायद कुछ बोल रहे थे। इंदर कुमार ठाकुर, अच्छा, आप कंट्रोल का दुकान चलाते हैं, तो इन लोगों का शिकायत है कि आप 3 महीने से